y'all. मैम तो कैमरे की तरफ, मैम तो कैमरे की तरफ, बाबू बाबू फर्स्ट साइड की तरफ, बाबू बाबू बेटा फर्स्ट साइड होगा, ठीक ठीक सामने की बैठ जाइए, छोटे बच्चे तो समर कैंप इनॉग्रेट हो गया। नीलू जी ये लैंप नीचे मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, अमिता और रचना से एक सर हमारा रिचुअल है, छोटा सा सफा होता है हमारा दूसरा का पूरा स्टार्ट करता है। चलो वहां जाओ फटाफट, चलो 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 जल्दी, क्योंकि हम एनसीसी किए हैं और इसलिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हम चाहते हैं कि तुम लोग सब पहुंचो, इसलिए एनसीसी करना जरूरी है। ए छोटू बात कम कर, ठीक है, थैंक यू। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन हम चाहते हैं कि आप लोग पूरी दुनिया को ये मैसेज दें कि आप इतने छोटे हैं और आप कहाँ से आए हैं। और जब अमिता बोल रही थी कि हम गरीब बच्चे, एक्चुअली तुम लोग गरीब नहीं हो, गरीब तो सोच होती है, गरीब बिल्कुल नहीं होते हम लोग, तुम लोग की सोच इतनी बड़ी है कि तुम लोग से ज़्यादा कुछ सोच नहीं है। हम यहीं से पढ़ाई लिखाई करके एक्स एनसीसी कैडेट भी हैं और हम इतना स्ट्रांग सोचते हैं। फिजिकल और मेंटल बैलेंस जो होता है वो बहुत ज़रूरी है, जैसे इंद्रबालन सर कह रहे थे कि कैसे वो गोरखा लोग बिना सोचे समझे देश के लिए लड़ने के लिए कूदने को तैयार थे, उस तरह से हम तुम लोग सबको देखे हैं कि बहुत मेहनत करते रहे हो। आज टोबैको नो टोबैको डे के दिन हम चाहते हैं कि तुम लोग द फ्रंट कर लो, जितने भी तुम्हारे चारों तरफ लोग हैं, सिर्फ तुम लोग नहीं, तुम्हारे चारों तरफ लोग हैं, ना टोबैको का सेवन खुद करो और ना ही करने दो, क्योंकि इससे एक आदमी का प्रॉब्लम नहीं होता, उसके पीछे जितनी फैमिलीज होती हैं उन सब बर्बाद हो जाती हैं। और सबको पता है ना ये बात, क्योंकि तुम लोग सबकी एक जर्नी है, तुम लोग जहाँ जहाँ से आए हो वो एक स्ट्रॉन्ग, भगवान ने तुमको चूज किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि तुम सब लीडर्स हो। देयर आर दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, लीडर्स और फॉलोअर्स, और तुम लोग सब क्या हो? लीडर्स। क्या हो? लीडर्स। यस, यू ऑल आर लीडर्स एंड यू आर गोइंग टू गो आउटसाइड इन द वर्ल्ड एंड टेल एवरीवन, हम लीडर्स हैं और हम परफेक्ट हैं। और परफेक्ट कैसे बनते हैं? हर चीज में सही तरीके से आगे बढ़ने से। तो टोबैको डे के दिन हम लोग प्रण करेंगे सब लोग, जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, आई नो देयर लॉट ऑफ पीपल, जो आप लोग भी मीडिया प्रेस में खड़े हैं, आप सब खड़े हैं, आपके चारों तरफ बहुत लोग टोबैको का सेवन करते हैं, ठीक है, मजा आता होगा, और लड़कों को लगता है कि वो बहुत कूल लगते हैं सिगरेट पी के, ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये अगर बॉयज थिंक दैट दे आर वेरी कूल हैविंग अ सिगरेट एंड यू नो बहुत साइड मार रहे हैं, वो सब बाद में पता चलता है जब लिटरली उनको कैंसर हो जाता है, और कैंसर होना ही है अगर आप सिगरेट पीते हैं तो। या तो आप अपने फैमिली को प्यार नहीं करते, या अपने लिए सिर्फ जीते हो, अपने लिए जीना क्या जीना है, दुनिया के लिए जीना है, अपने लोगों के लिए जीना है, राइट? यस मैम। तो आज
हम एनसीसी वालों को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ये सारा दो जन को आपने और मुझे लगता है कि एनसीसी का पूरे बिहार में हर तरीके से हर क्षेत्र में जाना और अलग अलग बच्चों के स्कूल्स में जाना, वहाँ पे कैंप्स रखना बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ज़रूरी बात है। इनफैक्ट आई फील कि जितनी भी एक्टिविटीज़ सर ने पूरे बिहार में कराई हुई है और झारखंड में भी जितनी करवाई हुई है आई थिंक करवा रहे हैं कंटिन्यूसली, ये एक उसका पार्ट है। एंड चाहते थे कि आज तो उन्होंने बैक देखे थे इस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, इसीलिए आई रिक्वेस्ट आपने जो चैनल पार्टस है काम करते हैं। सर ये किस तरह से बच्चों के लिए काम करेगा रेनबो होम, जो जिस तरह से एक गांव देहात के भी लड़के होते हैं जिनका जज्बा देश सेवा के लिए होता है, तो सर ये किस तरह से काम करेगा उन बच्चों के लिए? रेनबो होम से मेरी आज पहली मुलाकात थी और आज ही मुझे अवगत कराया गया कि रेनबो होम किस तरह से चलता है, किन प्रकार के बच्चों में रखा जाता है, उनका पालन पोषण कैसे होता है। और आज आप सबने देखा कि इन सबने जो जज्बा छुपा हुआ है देश के प्रति और कुछ कर दिखाने के, और जो आपने इनका आज प्रार्थना जो इनका एक ओथ है वो देखा, प्लेज, इतना बढ़िया प्लेज, इतना लंबा प्लेज था, इसी से ये जाहिर होता है कि इन बच्चों में कुछ कर दिखाने की तमन्ना है। और एनसीसी के माध्यम से हम समझते हैं, अगर हम एनसीसी को इनसे जुड़ेंगे जो इनको आज तक इनको मौका नहीं मिल रहा था, और रितु चंद्रा मैडम की वजह से आज हमें रेनबो होम के बारे में मालूम पड़ा, और हमारी कोशिश रहेगी कि इनके बीच में जो ताकत है उस ताकत को निहार के लेके आएँ और इनमें कुछ बच्चों को जरूर एनसीसी में चयनित करें ओपन कोटा के अंदर में, जिसकी हम घोषणा करें। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसके होने के बाद यहाँ पर एनसीसी कॉन्फ्रेंस होगा और उसके साथ इनको जो आगे मौका मिलेगा, चाहे वो फौज में भर्ती होने का, पायलट बनने का, या नेवी में जाने का, या कोई भी बड़ी चीज़ करने का अपने फील्ड में, उन सब के लिए इनको ट्रेनिंग, प्रोत्साहन, डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सब का मौका। वर्ल्ड नो टोबैको डे में सबसे पहले तो मेरा पर्सनल संदेश ये है कि मैंने आज तक कभी टोबैको चाय नहीं किया अपने पूरे जीवन में, और मेरी उम्मीद यही है कि हमारे कैडेट्स के माध्यम से यहाँ की एनसीसी में नो टोबैको के लिए बहुत माने रखते हैं हम लोग, इस पर काफ़ी कैंपेन चलाते हैं। और ऐसी भी कोई भी चीज़ जो हानिकारक हो आपके खुद के हेल्थ के लिए या आपकी फैमिली के हेल्थ के लिए, अड़ोस पड़ोस दोस्त सब के लिए, प्लीज़ हम लोग को भी बताते रहिए कि ये चीज़ ठीक नहीं है। और ऑफकोर्स ये बैकों के बॉक्स में लगते हैं, बड़े बड़े पिक्चर्स में लिखा रहता है कि एटलीस्ट कैंसर। मेरे भी मैंने भी अपनी फैमिली में, अपने बिहार से क्योंकि हम बिहार से आते हैं, अपनी फैमिली में कुछ बहुत लोगों को बैकों से कैंसर हो के पीड़ित होते हुए देखा है और वो लूज भी किया है। तो ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट भी आप सबसे कि बिहार में टोबैको का सेवन बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ही मतलब दुख वाली बात है कि आपके टोबैको लेने से या कहीं खाने से ये सारी चीज़ें, सिगरेट और गुटखा और इस तरह की चीज़ों खाने से आपको तो नुकसान होता ही है, जिसमें बहुत सारे आपके इलाज में पैसे लगते हैं, आपकी फैमिली लिटरली रोड पे आ जाती है ये सब चीज़ करते हुए। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं आपसे बता रही हूँ, किसी भी चीज़ को मैंने कवर नहीं किया है, ये बिल्कुल सच है। और आप सोचिए इसके बारे में, आज के दिन हम प्रण करते हैं कि हम बिहार को टोबैको मुक्त बनाएंगे। आपकी जो लाइफ स्टाइल है हमेशा आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में मिलते रहेंगे जहाँ पे आपको इसका ऐड करना है, और आप ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करें, कितना ज़रूरी हो गया है आप लोग जैसे और भी पब्लिक फिगर है वो प्रमोट करें। देखिए मुझे तो सब के बारे में मैं कह सकती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी टोबैको और सिगरेट, दारू, शराब, उसका किसी को भी प्रमोट नहीं किया है, चाहे कितने भी पैसे मुझे मिले, डजंट मैटर, मैं कोई भी चीज़ नहीं करूँगी जिससे यूथ को किस भी तरीके से हानि हो। और मुझे लगता है कि इज्जत और पैसे दोनों चीज़ें बहुत बड़ी बात होती है, दोनों चाहिए हमें। पैसे तो कहीं दुनिया में छपी रहे हैं लेकिन इज्जत नहीं छपती, वो बनानी पड़ती है। तरह की चीज़ों से आपकी इज्जत बहुत आती है, आप एक पब्लिक फिगर हैं तो आप यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल।
towards what you are doing and what you are standing for. और ऐसे ही दुनिया आपको फॉलो करती है. मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे सारे को एक्टर्स और अदर सेलेब्रिटीज को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे चीज़ों को एंडोर्स ना करें, क्योंकि आपको लोग लुक अप टू करते हैं. और इसमें अगर लुक अप टू करेंगे स्टाइल मारने के लिए या जैसे कि अपने आप को कूल समझने के लिए, तो वो ना ही देश के लिए अच्छा है, ना ही आपके स्टेट के लिए, ना ही आपके कम्युनिटी के लिए, ना ही अपनी फैमिली के लिए अच्छा. और आप खुद जानते हैं कि आपके लिए अच्छा.